परवल का कलम लगाने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आपको 1 फीट के स्क्वायर में गोलाई ले लेना है। देखिए मेरे साथ ही विपिन भैया है, यही लगा रहे हैं अपने बालकनी में। 1 फीट के स्क्वायर में गोलाई आपको ले लेना है। उसके बाद 1 फुट के स्क्वायर में इसको हाइट गड्ढा इसको करेंगे। देखिए कर ऐसे ही आपको करना है। देखिए 1 फीट हाइट हो गया है, उसके बाद 1 फीट गोलाई हो गया। जो मिट्टी में निकलेगा यही है केचुआ, जो कि पौधा का यही भोजन देता है। इसको मारना ना है, इसको इसी में डाल देना है। साथियों देखिए मैंने बहुत पुराना गोबर का खाद है, कम से कम यह जो खाद है आपको 40% लेना है। उसके बाद कम से कम 30% आपको रेत ले लेना है। देखिए सैंड, यही बोलते हैं सैंड, इसमें अभी मिक्स करेंगे दो। उसके बाद 30% गार्डन सोयल यानी मिट्टी ले लेंगे, बिल्कुल दानादार ही लेना है। देखिए अब इसको हम सब मिक्स करेंगे। मेरे सामने विपिन भाई जी हैं, यही अपने बालकनी में लगा रहे हैं। इसको मिक्स कीजिए अच्छे से, पूरा अच्छे से इसको मिला लेना है। देखिए ऑलरेडी मैंने फर्टिलाइजर, रेत और सॉइल मिट्टी सब मिक्स कर लिया है। अब हम इस गड्ढा में हम डालेंगे, डालिए आप इसको इसमें। गड्ढा को पूर्ण तरह हम भर चुके हैं, अब इसमें हम परवल का कलम डालेंगे। पापा इसको हटा लेना है, या कोई पत्ती या कोई चाकू से इसको कट कर लीजिए। देखिए विपिन भाई जी इसको काटेंगे अभी, यह लकड़ी का बुरादा है। देखिए उसके बाद आपको मिट्टी हटा लेना है, हटाइए इसको, लिफाफा को इसको अच्छे से हटा लेना है। तो वो चीज वो धीरे धीरे इसमें जो मिक्स फर्टिलाइजर है इसको डालना है अच्छे तरह से। डालिए इसको, मेरा ऑलरेडी कलम परवल का लग चुका है। आपको दाबना नहीं है, थोड़ा हल्का बराबर कर लेना, और जब भी हो मिट्टी के बराबर हो, गड्ढा में पानी फंसेगा तो आपका कलम सूख जाएगा। तो साथियों आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर हमारे इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो एस के सिंह एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खेती बाड़ी संबंधी की एक्सपेरिमेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।